हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह और आज हम लोग इस वीडियो में बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे इससे पहले भी मैं एक लेक्चर बना चुका हूं स्टोन का, अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो देख लेंगे, इससे और आपको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, वो मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन एई या जे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, अब रॉक्स को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है? इसे तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ये तीन क्लासिफिकेशन है। तो पहले मैं आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझाऊंगा, उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड फिजिकल क्लासिफिकेशन। एंड थर्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि रॉक्स यानी चट्टान को जो है, अगर मैं हिंदी में भी लिख दूं इसको, चलिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी लिख दे रहा हूं, रॉक्स को हिंदी में बोलते हैं चट्टान। जियोलॉजिकल का मतलब होता है भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको लोग को बताऊंगा। ये है आपका भौतिक वर्गीकरण और ये है आपका रासायनिक वर्गीकरण। ठीक, तो रॉक्स को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया है? तीन टाइप से किया गया है। एक है आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड लास्ट थर्ड नंबर है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो हमारा ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये तीन टाइप का होता है। ये तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है देखते हैं। नंबर फर्स्ट इजीनियस रॉक्स, नंबर सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक्स, नंबर थर्ड यानी सी नंबर मेटामॉर्फिक रॉक्स। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया, यानी तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका इजीनियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये दो टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटिफिकेशन, ये दो टाइप से क्लासिफाई इसे भी किया गया है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटिफिकेशन। अगर स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है वो आपका तीन दो टाइप का आता है। एक होता है स्ट्रेटिफिकेशन या स्ट्रेटिफाइड और एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू टेक्सचर,
इसमें अगर टेक्सचर के हिसाब से देखा जाए तो तीन टाइप का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन, ग्रेनुलर और स्लेटी रॉक्स, तीन टाइप का होता है ये। अभी हम लोग पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन करके डिस्कस करके मैं आपको समझाऊंगा हर एक चीज़ें। क्रिस्टलाइन होता है आपका, ग्रेनुलर होता है, एंड स्लेटी रॉक्स। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका ये तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? सिलिसियस, आर्जिलेसियस एंड कैल्सेरियस। आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो इन्हीं जितने भी मैंने टाइप का ये रॉक्स लिखा हुआ है इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। और एग्ज़ाम में ये पूछता है कि ये किस टाइप का रॉक्स है। कई बार पूछ लेगा कि इग्नियस रॉक्स है या सेडिमेंट्री है या मेटामॉर्फिक है या क्रिस्टलाइन है, ग्रेनुलर है, स्लेटी है, अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड है, सिलिसियस है, आर्जिलेसियस है या कैल्सेरियस है। हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा इस रॉक्स कैसा होता है, कैसे बनता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है और उसके एग्जाम्पल क्या है। हमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जाम्पल ही ज़्यादा पूछता है। कि मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि इजीनियस रॉक्स में कौन कौन से रॉक्स आते हैं, तो जो भी स्टोन आते हैं उसके अंदर, इजीनियस रॉक्स से जो भी स्टोन बनाई जाती है वो स्टोन हमें मालूम होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हमेशा। तो आपको मैं वन बाय वन करके समझाऊंगा अच्छे से। अगर मैं हिंदी में भी, चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, बाकी एक्सप्लेन जो है वो तो हिंदी में करता ही हूँ, लेकिन ये टेक्निकल वर्ड है। वैसे मैंने आपको कहा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश, वैसे इंग्लिश में ही सबको मालूम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है ये सब। इजीनियस को बोलते हैं हिंदी में आग्नेय चट्टाने, इसे बोलते हैं अवसादी और मेटामॉर्फिक को बोलते हैं रूपांतरित। इसका दूसरा नाम है कायांतरित, इसका नाम है तलछटी। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इंग्लिश में ही पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है। ये वर्ड आप भूल जाएंगे, इंग्लिश में ही तैयार कीजिए अच्छे से। ठीक है, अब सिलिसियस है सिलिका में चट्टाने, आर्जिलेसियस है आपका मृतिका में चट्टाने, कैल्सेरियस है आपका चूना में चट्टाने, ये सब हिंदी वर्ड हैं। तो मैं समझता हूँ कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इंग्लिश में ही पढ़िए ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेक्निकल वर्ड तो कम से कम इंग्लिश में ही ध्यान रखिए, बाकी एक्सप्लेन जो है वो मैं हिंदी में करूँगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसको समझाता हूँ। रॉक्स को तीन टाइप से आपको क्लासिफाई किया गया है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये तीन टाइप का होता है, इजीनियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो तीन टाइप का होता है, दो टाइप से पहले किया गया, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू टेक्सचर। स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रॉक्स आपका दो टाइप का होता है, स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड। अकॉर्डिंग टू टेक्सचर देखा जाए तो क्रिस्टलाइन, ग्रेनुलर रॉक्स और स्लेटी रॉक्स होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन तीन टाइप का होता है रॉक्स, सिलिसियस रॉक्स, आर्जिलेसियस रॉक्स एंड कैल्सेरियस रॉक्स। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग बात करेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तीन टाइप का होता है, इजीनियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इजीनियस रॉक्स क्या होता है? इजीनियस रॉक्स, जैसा कि इसका हिंदी में शब्द है आग्नेय चट्टाने, आग्नेय का मतलब होता है आग से बना हुआ चट्टान। ठीक है, देखिए इजीनियस रॉक्स होता क्या है,
हमारा जो अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस के अंदर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब आप बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे यानी पृथ्वी के अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हुए, और ज़्यादा होने की वजह से कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, वो मिनरल्स टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में होता है। उस लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है उसे बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं मैग्मा। ये लिक्विड मटेरियल जो है जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये हमेशा पृथ्वी के ऊपर सरफेस पे यानी अर्थ सरफेस पे आने का हमेशा कोशिश करता रहता है। ये मैग्मा जो मटेरियल है ये चाहता है कि हमेशा अर्थ के सरफेस पे आ जाए, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है तो ये क्या करता है कि अर्थ में ऐसे एरिया या ऐसे स्थान जहाँ पर क्रैक्स होती हैं, दरारें आई हुई होती हैं, या अर्थ का कोई कमज़ोर हिस्सा है, तो उसके सहारे क्या होता है, ये मैग्मा पदार्थ जो है आपका ऊपर आ जाता है। ये हमेशा ऊपर आता है, लावा की तरह आता है, लावा की तरह हमेशा ये ऊपर आ जाएगा। इसी को ज्वालामुखी का फटना बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ज्वालामुखी का फटना। तो यही होता है कि जब ये मैग्मा मटेरियल जो है आपका अर्थ सरफेस के अंदर जो होता है, जो कि जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये हमेशा ऊपर लावा की तरह आता है। बाद में अर्थ सरफेस के ऊपर आने के बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे जब आता है तो ये बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत ही आग की तरह जलता हुआ रहता है ये। तो धीरे 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 ठंडा होते होते जब एटमॉस्फेयर में आ जाएगा तो ठंडा होते होते क्या होता है, ये ठंडा होकर के एक रॉक्स बन जाता है। ये उसी रॉक्स को बोलते हैं इजीनियस रॉक्स। बात समझ आई? यानी जो भी मैग्मा मटेरियल है आपका, जो कि ज्वालामुखी के फटते समय जो ऊपर आता है, बाद में एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में ठंडा होते होते धीरे धीरे, बहुत वर्ष लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं इसे ठंडा होने में, होते होते धीरे धीरे वो क्या होता है, एक रॉक्स बन जाता है। इस रॉक्स को बोलते हैं इजीनियस रॉक्स, ठीक है। ये जो रॉक्स है, इजीनियस रॉक्स से जो भी रॉक्स बनेगा ये हमेशा स्ट्रेटिफाइड होगा, यानी एक ही परत में बन जाता है, वो एक ही परत में ही पूरा बना हुआ होता है, एक ही लेयर में पूरा रॉक्स होता है। ऐसा नहीं कि वन बाई वन लेयर करके बना होगा, नहीं, एक ही लेयर में होता है, जिसकी वजह से काफ़ी इसकी जो डेंसिटी होती है इस रॉक्स की बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सघन होता है ये, बहुत ही स्ट्रेंथ होता है इसका, बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, टिकाऊपन होता है, अप्रवेश होता है ये, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो भी स्टोन इससे हम बनाएंगे इजीनियस रॉक्स से, वो आप उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा, सघन होगा, मजबूत होगा, टिकाऊ होगा, काफ़ी स्ट्रेंथ अच्छा होगा, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी उसकी, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट स्टोन होता है वो इसी रॉक्स से बनाया जाता है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट, ये इनके एग्जाम्पल है। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया ग्रेनाइट और पूछ लेगा कि ये किस टाइप का स्टोन है या किस रॉक्स से बनाया गया है, ग्रेनाइट किस रॉक्स से बनाया गया है, ऑप्शन में दे दिया वहां पर इजीनियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, इजीनियस रॉक्स। बात समझ में आई? तो आप इस चीज को याद रखेंगे, इजीनियस रॉक्स के अंदर कौन कौन से स्टोन आते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप और डोलोमाइट। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है ग्रेनाइट का प्रॉपर्टीज पूछ लेगा तो आप क्या कहेंगे, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ इसका होता है, बहुत ही मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, एक ही लेयर में बना हुआ होता है ये, ठीक है ना। जो भी मैंने इजीनियस के बारे में बताया वो प्रॉपर्टीज आप इस स्टोन में लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो सेडिमेंट्री क्या होता है, जब सेडिमेंट्री रॉक्स हमेशा इजीनियस रॉक्स से बनता है, कैसे बनेगा। अब मान लीजिए आपका अर्थ सरफेस पे जो भी रॉक्स है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो रॉक्स है, धीरे धीरे क्या होता है, वातावरण के वजह से, एटमॉस्फेयर के वजह से, हवा, आंधी, तूफान, बरसात, ये सब जब होता है
या मनुष्यों का आवागमन, जीव जंतुओं का आवागमन, यानी उस रॉक्स के ऊपर सरफेस पे आवागमन होने की वजह से क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ऊपर सरफेस वाला, वो धीरे धीरे कटने लगता है। तो जब इजीनियस रॉक्स का ऊपर का जो सरफेस होता है वो धीरे धीरे क्या होगा, कटने लगेगा। कटते कटते वो क्या होगा कि नीचे वाले स्थान पर जाके इकट्ठा होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि मनुष्यों का आवागमन, जीव जंतुओं का आवागमन हो रहा है, वहाँ पर धूप लग रही है, धूप लगने के वजह से जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है, वो धीरे धीरे टूटने लगता है वहाँ से। फिर मान लीजिए तेज बारिश हुई, वो बारिश का पानी जो होगा क्या करेगा, उसको वो सारे पार्टिकल्स को बहा करके लेके जाएगा नीचे वाले स्थान पर, इकट्ठा करता रहेगा। धीरे धीरे इकट्ठा करते 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 वहाँ पर एक नया रॉक्स बन जाता है जिसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो रॉक्स होता है वो केवल एक ही लेयर में नहीं बनता है, बल्कि वो कई लेयर में बनता है, क्योंकि धीरे धीरे वो बनता रहता है। एक साल में नहीं बनता है, कई वर्ष लग जाते हैं उसे बनने में। तो धीरे धीरे वहाँ पर जो भी इजीनियस रॉक्स का जो ऊपर का जो सरफेस होता है उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे इकट्ठा होते 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 लास्ट में वहाँ पर एक नया रॉक्स बन जाता है। उस रॉक्स को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या होगा, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लैटेराइट और सेल। क्या क्या मैंने आपको बताया, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लैटेराइट, सेल, ये एग्जांपल हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन से रॉक्स आते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल भी हो गया। अब मैं बात करूंगा मेटामॉर्फिक रॉक्स का। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है, ये इजीनियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों रॉक्स से बनाया जाता है, दोनों से बनता है। जब मान लीजिए अब आपका क्या है, इजीनियस रॉक्स भी बन गया और सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन गया, दोनों रॉक्स बन गए आपके। अब ये रॉक्स क्या होता है, कभी कभी कुछ एक्सीडेंट कुछ ऐसा पृथ्वी पे होता है जो कि जियोलॉजिकल से रिलेटेड होता है। पृथ्वी पर उथल पुथल या भूकंप, अर्थक्विक वगैरह जब आता है तो ये रॉक्स क्या होता है, अंदर दब जाता है। मान लीजिए भूकंप आया, तो भूकंप से क्या हुआ कि ये जो रॉक्स है वो क्या होगा, पृथ्वी के अंदर या बीच में दब जाएगा। अब दबने की वजह से, अंदर दब जाने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब इजीनियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स पे कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से, या जैसे मान लीजिए अर्थक्विक आया और उसकी वजह से ये चट्टान क्या हुआ, नीचे जाके दब गया, और नीचे दबने के वजह से वहाँ पर उसका प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से ये रॉक्स क्या है, अपना प्रॉपर्टीज़ जो है इसके अंदर जो क्वालिटी है वो चेंज कर देता है। अब जो नया रॉक्स बनेगा उसे क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक एक प्रकार का इजीनियस और सेडिमेंट्री से ही बनता है, बस होता क्या है कि वो अपना प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए, अब यहाँ पर भी एक एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मेटामॉर्फिक में एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूँ और ये भी बताऊंगा कि किस स्टोन से कौन सा स्टोन बनता है मेटामॉर्फिक में चेंज होने के बाद। अगर मान लीजिए ग्रेनाइट है आपका, तो ग्रेनाइट आपका चेंज हो जाएगा नाइस में। ग्रेनाइट किस में चेंज हो जाता है, नाइस में चेंज हो जाता है। लाइमस्टोन अगर आपका है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मार्बल में चेंज हो जाएगा। सैंडस्टोन अगर आपका है तो ये चेंज किस में हो जाएगा, क्वार्टजाइट में। अगर मान लीजिए सेल है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, स्लेट में। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जांपल। तो अगर हमें देखा जाए मेटामॉर्फिक में कौन कौन से स्टोन आते हैं, नाइस, मार्बल,
क्वार्टजाइट एंड स्लेट। ये भी याद रखो किससे क्या बनता है, ग्रेनाइट से नाइस बनता है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनता है एंड सेल से क्या बनता है, स्लेट। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इनकी एग्जाम्पल आप याद करते रहेंगे और आप लोग वीडियो को लाइक करते रहेंगे अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो और अच्छे समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छा कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करेंगे जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। ठीक है, और मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको जितने भी सिविल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स आते हैं वो हर एक सब्जेक्ट वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे बताऊँगा, और लगभग काफ़ी सब्जेक्ट भी हो गए हैं। अगर आप लोग को और भी सब्जेक्ट चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, टारगेट स्टडी पॉइंट पे, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स के लेक्चर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, यानी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया है। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल क्लासिफिकेशन का। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, ये दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू टेक्सचर। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है उसका संरचना कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये होता है आपका एक स्ट्रेटिफाइड और एक अनस्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि ये कई लेयर्स में बनती है, कई परत में बनता है। तो जब ऐसा स्टोन जो कि कई परतों में बना होता है वो स्ट्रेटिफाइड में आता है, जो एक ही परत में बनता है वो किस में आता है, अनस्ट्रेटिफाइड में आता है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो इजीनियस रॉक्स होता है वो एक ही लेयर में बनता है, यानी ये इस कई लेयर्स में नहीं होता है, कई परतों में ये मिलके नहीं बना होता। तो ये अनस्ट्रेटिफाइड है आपका, जो इजीनियस रॉक्स होता है वो अनस्ट्रेटिफाइड होता है। तो अनस्ट्रेटिफाइड में हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या क्या, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ट्रैप। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपका इजीनियस रॉक्स है ये अनस्ट्रेटिफाइड होता है, अनस्ट्रेटिफाइड में मैंने इसको यहाँ लिख दिया। जो आपका सेडिमेंटरी रॉक्स है ये कई लेयर में बनता है, मैंने भी आपको बताया था कि कई लेयर्स में बनता है, तो ये स्ट्रेटिफाइड है। तो स्ट्रेटिफाइड में आप इस सेडिमेंटरी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया। बट आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे सैंड स्टोन स्ट्रेटिफाइड है कि अनस्ट्रेटिफाइड है, यानी क्वेश्चन किसी भी तरह से उसे घुमा के पूछा जा सकता है, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होना चाहिए, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता रहेगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि बेसाल्ट कैसा स्टोन है, किस रॉक से बनाया गया है, इजीनियस रॉक से बनाया गया। ये भी पूछ सकता है कि अनस्ट्रेटिफाइड है कि स्ट्रेटिफाइड है कि स्लेटी है, कैसा है, उसमें दे देगा कुछ ना कुछ ऑप्शन, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू टेक्सचर। टेक्सचर में उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है, सॉरी स्ट्रेटिफिकेशन में तो उसका जो है वो देखा जाता है कि कैसे लेयर्स में है कि नहीं लेयर में है। टेक्सचर में उसका संरचना देखा जाता है, स्टोन का सरफेस देखा जाएगा कि सरफेस कैसा है, ये छूने पर ही महसूस होने लगेगा आपको फिर कि ये किस टाइप का स्टोन है। तो क्रिस्टलाइन रॉक्स क्या होता है, ये रॉक्स रवेदार होती है, रवादार होगा, उसको सरफेस को आप देखेंगे तो रवादार होगा, ये बहुत ही कठोर होता है, टिकाऊ होता है, यानी काफ़ी हार्ड होता है और ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी होती है। इसका यूज हमेशा बिल्डिंग में करते हैं। ठीक है, अगला देखा जाए तो ये आपका जो है, अगर इसका मैं एग्जाम्पल में अगर देखा जाए क्रिस्टलाइन रॉक्स का भी आपको मैं बता देता हूँ, तीनों का हिंदी भी देख लीजिए आप। क्रिस्टलाइन को बोलते हैं रवेदार, ग्रेनुलर को बोलते हैं दानेदार। हिंदी में मालूम होने से आपको डेफिनेशन पता हो जाएगा, ये होता है पट्टीदार। अब क्रिस्टलाइन में क्या होगा कि इसका जो सरफेस होगा वो रवेदार होगा, ग्रेनुलर में क्या है दानेदार होगा, और स्लेटी रॉक्स में क्या होगा वो स्टोन पट्टियों में बना होगा, कई पट्टी में बना होगा आपका,
बात समझ में आई? तो इससे भी आप जो है याद कर सकते हैं, हिंदी शब्द से ही आपको पता चल सकता है। अब क्रिस्टलाइन का एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्या क्या है आपका, एक तो है ग्रेनाइट और दूसरा है मार्बल। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ग्रेनाइट कैसा है, क्रिस्टलाइन है कि ग्रेनुलर है कि स्लेटी है, आप क्या ऑप्शन में देंगे, क्या चूज करेंगे? क्रिस्टलाइन है आपका। ये बात समझ में आई आपका? ये अब अगला मैं बात करता हूँ ग्रेनुलर की। तो ग्रेनुलर क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो दानेदार होता है। तो दानेदार कौन सा है, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन सैंडस्टोन को आप देखेंगे तो अलग अलग पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, दानेदार दिखेगा उसका सरफेस अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, स्लेटी क्या होता है, ये लेयर्स में बनी होती है, कई लेयर में बना होता है, इसे आप अगर काटेंगे तो लेयर्स में अलग अलग काट सकते हैं। इसका सीधा सा एग्जांपल है स्लेट। ठीक है, अब फिर थर्ड नंबर पे चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, सिलिसियस रॉक्स, आर्जिलेसियस एंड कैल्सेरियस। जैसा कि नाम से पता चलता है सिलिका, सिलिसियस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको सिलिकामय चट्टाने। क्या बोलते हैं इसको, सिलिकामय, ऐसा चट्टान या ऐसा स्टोन जिसमें सिलिका ज्यादा पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे, सिलिसियस रॉक्स। आर्जिलेसियस को बोलते हैं ऐसा स्टोन या ऐसा रॉक्स जिसमें क्ले का अमाउंट ज्यादा हो या एल्यूमिना का अमाउंट ज्यादा हो। आर्जिलेसियस में क्ले और एल्यूमिना ज्यादा पाया जाता है क्योंकि इसका हिंदी होता है मृतिका में चट्टाने, नाम से ही पता चलता है इसमें मिट्टी ज्यादा पाया जाएगा। आर्जिलेसियस क्या होता है, ऐसा इससे जो भी स्टोन मिलेगा उसमें क्ले या एल्यूमिना का अमाउंट ज्यादा होगा उसे आर्जिलेसियस बोलते हैं। सिलिसियस क्या होता है, इसमें सिलिका का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सिलिसियस में क्या होता है, इसमें सिलिका या इसमें स्टोन में सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो सिलिका का होता है। ये चट्टान बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही मजबूत होता है, बहुत टिकाऊ होता है, इस पर एटमॉस्फेयर का इफेक्ट बहुत ही कम होता है। तो मैं कह सकता हूँ सिलिसियस रॉक्स बहुत अच्छा रॉक्स माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये बहुत कठोर होता है, बहुत हार्ड होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, इस पर एटमॉस्फेयर का इफेक्ट बहुत ही कम पड़ता है। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, लाइमस्टोन एंड क्वार्टजाइट, क्या क्या आएगा इसके अंदर देखिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, ये काफी स्टोन अच्छे माने जाते हैं। ये जो मैंने अभी सिलिसियस रॉक्स में लिखा इसमें सिलिका का, ऐसे पूछ लेता है नीचे कुछ स्टोन का नाम दे देगा, पूछेगा इसमें सिलिका का अमाउंट ज्यादा किसमें है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें सिलिका का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। अब मैं बात करता हूं आर्जिलेसियस का, तो ये जो होता है आर्जिलेसियस इसमें क्ले और एल्यूमिना का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। ये बहुत ही, इसकी डेंसिटी तो ज़्यादा होती है, बहुत ही सघन होता है, कठोर भी होता है, हार्ड भी होता है, लेकिन ये ब्रिटलनेस क्वालिटी इसके अंदर होता है, यानी भंगुरता इसमें ज़्यादा होती है। ये जल्दी छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। अगर जैसे शीशा नहीं होता, शीशा को तोड़ दीजिए तो छोटे भागों में टूट जाता है, वैसे ही ये स्टोन भी होता है। ये इम्पैक्ट को नहीं बियर कर पाता है, अगर इसमें आप कोई भी झटका लगाओगे या इम्पैक्ट फोर्स लगाओगे तो उसको ये सहन नहीं कर पाती, बियर नहीं कर पाता है। अगर इसके हम वाटर के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाता है, यानी ये अगर इसे हम नमी के संपर्क में लाए तो बहुत ही नरम होता है। ये इसका सीधा सा एग्जांपल है स्लेट और लैटेराइट, स्लेट और लैटेराइट। कैल्सेरियस रॉक्स, ऐसा रॉक्स, अब इसका हिंदी क्या होता है, चूनामय। इस प्रकार के रॉक्स से जो भी स्टोन बनेगा उसमें लाइम का अमाउंट ज़्यादा होगा, इसमें क्या होता है चूना ज़्यादा पाया जाता है। जब चूना ज़्यादा पाया जाता है तो ये अम्ल से जल्दी प्रभावित हो जाती है, अम्ल का मतलब क्या होता है एसिड, ये क्या है एसिड से जल्दी इफेक्ट हो जाता है, अम्ल को नहीं सहन कर पाता है ये,
और ये जल्दी ख़राब हो जाता है। सीधा सा एग्जांपल है इसमें लाइम स्टोन, कंकर या मार्बल, इसमें ज़्यादा पाया जाता है लाइम स्टोन, कंकर और मार्बल, ये इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता दूं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इजीनियस रॉक्स के बारे में। इजीनियस से एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्या है क्वेश्चन वो? इजीनियस रॉक्स को तीन टाइप से अलग अलग इसे क्लासिफाई किया गया है। और इजीनियस रॉक्स की बात करूं, एक होता है इसमें एसिड रॉक्स, एसिडिक, सेकंड होता है बेसिक, एक होता है इसमें अल्ट्रा बेसिक। ठीक है, तो जो एसिडिक होता है आपका, इसमें जो सिलिका का अमाउंट है वो 60% से ज़्यादा होता है। इसमें जो सिलिका होता है 60% से ज़्यादा होता है। और जो आपका बेसिक होता है, बेसिक में क्या होता है कि 15-60% के बीच में होता है। और जो अल्ट्रा बेसिक होता है वो आपका क्या है, ये 15% से कम होता है। क्या चीज़? सिलिका। तो सिलिका इजीनियस रॉक्स में 60% से ज़्यादा पाया जाता है, एसिडिक रॉक्स जो होती है। बेसिक में क्या होगा कि 15-60% तक होता है, और अल्ट्रा बेसिक में 15% से कम होता है। कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अभी स्टोन ही हम लोग स्टार्ट किए हुए बिल्डिंग मटेरियल में, तो अभी स्टोन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है।